नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका सेंट्रल डिबेट में। 10 दिसंबर यानी कि आज दुनिया भर में वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे मनाया जा रहा है। इस दिन की शुरुआत 1950 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऐलान के साथ किया गया। साल 1948 में 10 दिसंबर को ही यूएन ने मानवाधिकार पर एक डिक्लेरेशन जारी किया जो आम इंसान के अधिकारों के बारे में बताता है। मानवाधिकार से मतलब समानता, स्वतंत्रता और शिक्षा जैसे उन मूल अधिकारों से है जिनके हकदार दुनिया के सभी इंसान हैं। लेकिन तेजी से विकास के कीर्तिमान रचते भारत में मानवाधिकार के मुद्दे का क्या मायने हैं, इसी मुद्दे को लेकर करेंगे आज चर्चा। विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र में मानवाधिकारों के लिए जिन बातों का मुख्य रूप से जिक्र किया गया उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, रोजगार, भोजन और मनोरंजन से संबंधित इंसान की बुनियादी जरूरतें हैं। अगर कोई इंसान इन चीजों से वंचित है तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं उसके मानव होने के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, उल्लंघन हो रहा है। यूं तो भारत में सिविल सोसाइटी, मीडिया और स्वतंत्र न्यायपालिका है, बावजूद इसके मानवाधिकारों को लेकर भारत के अंदर चिंता बरकरार है। 2016 की ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट में भारत में मानवाधिकारों को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। भारत के संविधान में मानवाधिकार की गारंटी दी गई है। भारत में शिक्षा का अधिकार इसी गारंटी के तहत है। हमारे मुल्क में 28 सितंबर 1993 से मानवाधिकार कानून अमल में आया है और सरकार ने 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। आयोग के कार्यक्षेत्र में बाल विवाह, स्वास्थ्य, भोजन, बाल मजदूरी, महिला अधिकार, हिरासत और मुठभेड़ में होने वाली मौतें, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति और जनजाति आदि के अधिकार आते हैं। हालांकि इसके बावजूद देश के अलग अलग राज्यों से मानवाधिकारों के उल्लंघन की दिल दहला देने वाली घटनाएं भी, खबरें भी लगातार आती रहती हैं। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार में स्वास्थ्य के अधिकार को वर्णित किया गया है। ऐसे में एक व्यक्ति की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकारी चिकित्सा केंद्रों के क्या हाल हैं, वहां स्वास्थ्य का क्या स्तर है, स्वच्छता का क्या स्तर है, आबादी को देखते हुए सरकारी चिकित्सा व्यवस्था क्या काफी है, ये बहुत सारे सवाल हैं जो चिकित्सा व्यवस्था को लेकर खड़े होते हैं। क्योंकि आज मानवाधिकार दिवस है, हम सभी के जो अधिकार हैं, जो हम एक मनुष्य होने के नाते हमको जरूरत पड़ती है, हवा, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, इन सारी बातों का आज जिक्र होगा इस डिबेट के माध्यम से। और मानवाधिकार के लिए हम कितने जागरूक हैं, हमें क्या पता है कि हमारे जो अधिकार हमको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिल रखे हैं या फिर जो हमारे मानव होने के लिए जरूरी हैं, जो हमको अधिकार मिले हुए हैं, जो हमारा राइट है, क्या हम उस बारे में इतना जागरूक हैं, उन चीजों को लेकर जागरूक हैं। हवा, पानी हमें स्वच्छ मिलना चाहिए, क्या ये हमारी सिर्फ जरूरत ही है या फिर ये हमारा अधिकार भी है, इन सारी बातों का जिक्र आज हम करेंगे। और मुख्य रूप से स्वच्छता, चिकित्सा, शिक्षा और हवा, पानी जैसे जो पर्यावरण की चीजें हैं, इन सारी बातों का आज जिक्र इस डिबेट के माध्यम से हम करने वाले हैं। संविधान के मुताबिक ही 6 से 14 साल की उम्र के हर एक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भी मिला हुआ है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे बाल मजदूरी करते हुए नजर आते हैं। शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो निचली स्तर की शिक्षा 6 से 14 साल तक तो बच्चों को मिल जाती है, लेकिन उसके ऊपर की शिक्षा वो कैसे ग्रहण करेंगे, इस चीज को लेकर आगे बातें नहीं होती हैं। सिर्फ इसी बात को कह दिया जाता है 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। क्या अब उनको वो अधिकार मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, इस बात को ऑडिट करने के लिए, इस बात को जानने के लिए शायद हम उतने सचेत नजर नहीं आते हैं, जागरूक नजर नहीं आते हैं। राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा ने राज्यसभा में एक सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि जब देश में सभी को बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है, तरह तरह के और भी अधिकार मिल रखे हैं, तो फिर सभी को स्वच्छ हवा में सांस लेने और पीने का स्वच्छ पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह से पर्यावरण की जो स्थिति आजकल हो गई है, हम लगातार देख रहे हैं लखनऊ से और दिल्ली से ऐसी तस्वीरें आए दिन सामने आती हैं। अभी कुछ दिन पहले 1-1.5 महीने से जो है
पर्यावरण को लेकर जिस तरह के हालात हो रखे हैं, तो ऐसे में जीने का अधिकार जो हमको मिल रखा है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन है, क्योंकि हमको अगर स्वच्छ हवा नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि एक समय के बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी। अगर साफ पानी हम नहीं पिएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो क्या हम अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हैं, जो हमको अधिकार मिल रखे हैं, मानवाधिकार जो हमारे हैं, क्या उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, कितना बढ़ रहे हैं? कहीं ना कहीं इसमें इन सारी बातों का जिक्र आज जो है हम डिबेट के माध्यम से करने जा रहे हैं। देश में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं भी हुई, बिहार के मुजफ्फरपुर और उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के देवरिया में शेल्टर होम में बच्चियों के साथ जिस तरह से विभत्स कृत्य हुए, वो भी मानवाधिकार की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। कोई भी आप राह चलते अगर किसी को गोली मार दी जाती है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में उसका अधिकार कहां पर है, किस तरह से है, वो क्या जो है जिस तरह से उसकी मृत्यु हो गई, क्या वो उसके मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है? कई विवादास्पद जो है घटनाएं हैं, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो है दंगे हुए, शाहबानो मामले के बाद मौलानाओं ने में जो है विरोध की चिंगारी भड़क गई, बाबरी मस्जिद जब विध्वंस हुआ तो देशभर में दंगे हुए, गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, कश्मीर में आए दिन हो रहे दंगे। ये सब चीजें हैं जो मानवाधिकार को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं, और इन सारी बातों का जिक्र करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था का जो हाल देश के अंदर है और जागरूकता की कमी कहीं ना कहीं नजर आती है। तो क्योंकि आज के दिन ही पूरी दुनिया जो है आज के दिन मानवाधिकार दिवस मना रही है, तो इस बात का जिक्र करना आज बहुत जरूरी हो जाता है, एक जागरूकता के पर्पज से भी, कि लोगों को पता होना चाहिए उनके क्या अधिकार हैं, क्या नहीं है, किस बारे में वो आगे बात कर सकते हैं, किन चीजों को लेकर वो अपना अधिकार जता सकते हैं। और इसी विषय पे चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। विकास तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुराग यादव जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं, अजय त्रिपाठी जी रसपा से हमारे साथ हैं, अभिषेक मिश्रा जी एडवोकेट हैं हमारे साथ हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, जो मेन चीजें हैं उनका ही मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि मानवाधिकार की जब हम बात करते हैं तो बहुत लंबे क्षेत्र की बात करते हैं, तो ऐसे में जो कुछ चुनिंदा चीजें हैं उनका ही जिक्र करेंगे, शिक्षा का करेंगे, चिकित्सा का करेंगे, हवा पानी का करेंगे, क्योंकि यही आज की मूलभूत सुविधाएं हैं। लोगों को इतना ही अगर सही मिल जाए तो लोग उतने में ही खुश हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वो मिल पा रहा है? अपनी सरकार या फिर उन चीजों से हटकर एक जो मानवाधिकार है उसकी बात करते हुए आपको क्या लगता है कि उनको वो अधिकार मिल पा रहे हैं समाज में रहते हुए, भारत के अंदर रहते हुए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की जो है शुभकामनाएं देता हूं, और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आगे इस प्रकार की स्थितियां ना आए कि हमें मानवाधिकार के लड़ना पड़े। हमारे देश में मैं आशा करता हूं कि आगे चल करके इस प्रकार की कोई समस्या ही ना पैदा हो कि मानवाधिकार के विषय पर हमें चर्चा करनी पड़े या इसके लिए संघर्ष करना पड़े। जहाँ तक आपने मानवाधिकार की बुनियादी चीज़ों की बात की है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन ये सारी चीज़ें आती हैं, तो मेरा मानना है कि जो हमारा देश है निश्चित तौर पे इसमें कहीं ना कहीं कुछ अभी समस्याएं हैं। हम आप पिछड़े इलाकों में जाएंगे जहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अभी कुपोषण है, वहाँ बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है, जो माएँ हैं जो उनको नहीं मिल पाता है पर्याप्त पोषण, उन्हें पर्याप्त शिक्षा की सुविधाएँ नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएँ नहीं है, लेकिन निश्चित निरंतर इसमें जो है सुधार हो रहा है। हमारी सभी सरकारें, मैं उसमें किसी विशेष सरकार का उल्लेख नहीं करता हूं, हमारी सभी सरकारें लगातार इस दिशा में प्रयासरत हैं और हम इसमें जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसमें सुधार ही होता जा रहा है, क्योंकि आजादी के बाद से देश बहुत आगे गया है और इसमें बहुत कुछ सुधार हुआ है। तो इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि इसमें जो भी चीजें कमी है निरंतर हम इसमें सुधार कर रहे हैं, हम इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जो चीजें हैं आने वाले समय में हम पूरी तरह से जो है हर व्यक्ति को, हमारे जो हमारी भाजपा की सरकार है वो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है, सभी को साथ लेकर के आगे चलने की बात करती है और सभी को पर्याप्त भोजन, पर्याप्त आवास, पर्याप्त सुविधा, सब चीज देने की बात करती है। इस दिशा में विकास को लेकर के हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम सभी को, हमारे यहाँ पे कोई भी इस प्रकार की सुविधा नहीं असुविधा नहीं होगी कि कोई भी व्यक्ति भोजन के बगैर या फिर आवास के बगैर या फिर शिक्षा या स्वास्थ्य की जो बुनियादी सुविधाएं हैं इनसे वंचित रहे। अच्छा अनुराग जी, आपको क्या लगता है कि जो सुविधाएं, क्योंकि आज़ादी के 70 साल हो गए हैं और कई सरकारें आई हैं, कई सरकारें चली गई हैं, तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि आज हम 70 साल बाद जब इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, मानवाधिकार का जिक्र कर रहे हैं, संविधान में जो हमें राइट्स मिल रखे हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, तो क्या 70 साल बाद अगर
नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर हम ये कह रहे हैं कि उसमें अभी बहुत सारा काम होना बाकी है, अभी चीजें सही नहीं हो पाई, क्योंकि हमारे साथ जितने अन्य देश भी कई हैं जो हमारे साथ जो है आजाद हुए और हम उस रेस में बहुत आगे निकल गए, लेकिन हम अभी मूलभूत सुविधाएं हैं वहीं उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज के दिन ये प्रण लेने की जरूरत है कि इस पर बहुत तेजी से काम करना है। अनुराग जी, हिमांशु जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। अब देखिए, बहुत लंबा समय हमारे देश को स्वतंत्र हुए, काफ़ी लंबा समय बीत गया और काफ़ी सरकारें कई दलों की रहीं, और इसके बाद भी आज हम मानवाधिकार पर चर्चा कर रहे हैं, और जो मानवाधिकार की स्थिति हमारे देश में है उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये एक बड़ा शोचनीय प्रश्न है कि आज इतने सालों बाद भी हमारे देश में मानवाधिकार को लेकर बहुत सी घटनाएँ रोज हो रही हैं, और रोज जैसे अभी आपने कहा ना कि आज हम प्रण लेते हैं, हम कई बार ऐसा प्रण भी लेते हैं और उसके बाद फिर वो चीजें रिपीट हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल क्लियर है कि हमारी जो सरकारें रही मानवाधिकार को जितनी गंभीरता से लेना चाहिए था और उस पर जो काम करने की जरूरत थी वो काम अभी भारत में नहीं हो पाया। ये हम एज ए नागरिक भी हमारे लिए एक बड़ा सवाल है और सरकार के लिए भी एक बड़ा सवाल है। और रही बात जागरूकता की, तो जागरूकता देखिए, जहां पर जिस देश में अभी इंसान 2 जून की रोटी की लड़ाई लड़ रहा है उसे अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होगी, जागरूकता होगी, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि अभी भी लोगों को ये नहीं मालूम है कि जो हमें स्वच्छ पर्यावरण मिलना चाहिए, हमें स्वच्छ पानी मिलना चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए, हमें समान शिक्षा मिलनी चाहिए, इनकी चर्चा अगर हम उनसे करें तो उन्हें लगता है कि अगर सरकार हमें ये चीज़ें मुहैया करा रही है तो एक तरीके से वो हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रही है, जबकि मानवाधिकार के अंतर्गत ये इंसान होने के नाते ये आपके स्वाभाविक आपके राइट्स हैं, अधिकार हैं जो एक सरकार को देना चाहिए। और हमारे देश की तो सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि संविधान में जो मानवाधिकार की हम बात कर रहे हैं, मानवाधिकार के अंतर्गत हमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमारा संविधान उसकी बात करता है, हमारे संविधान के मूल तत्व में वो सारी चीजें शामिल हैं, और संविधान ये व्यवस्था देता है कि अगर ये चीजें आपको नहीं मिल रही या इसमें भेदभाव है तो उसके लिए वो दंड का भी प्राविधान है संविधान में। इतना सब कुछ होने के बावजूद आज चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे न्याय की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे भेदभाव की बात हो, ये सारी चीजों पर आज भी हमारी स्थिति बहुत खराब है और ये हमारी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल सही बात है अभिषेक जी, क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं, तो जागरूकता की कमी कहां नजर आती है, क्योंकि अनुच्छेद 21 की बात करें तो उसके तहत जो है जीने का अधिकार है और स्वास्थ्य के अधिकार को जो है उसमें वर्णित किया गया है, और सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं है तो वो स्वस्थ कैसे रहेगा, उसकी पूरी देखभाल करने की। लेकिन बावजूद इसके हम देखते हैं कि लोग अस्पतालों में पड़े रहते हैं, सिर्फ अस्पताल का मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पर यही हाल है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम बच जाते हैं, लेकिन जागरूकता की क्योंकि कमी है तो हम सरकारों को ना कहके कहते हैं कि हम गरीब हैं तो कैसे इलाज कराएं, सरकारी अस्पतालों का हाल आप देख लीजिए किस तरह का हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। आज हम मानवाधिकार की बात कर रहे हैं तो इसमें ये चीज का वर्णन बहुत जरूरी है, और जागरूकता नहीं है तो जागरूकता लाएगा कौन, ये भी एक बड़ा सवाल है जी। अभिषेक जी, हिमांशु जी, 1993 में ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट बनाया गया, और इसी ह्यूमन राइट एक्ट के तहत जो है हमारा ये आज ह्यूमन राइट कमीशन बना हुआ है। 93 से लेकर के आज करीब 25 साल हो गया इसके एस्टेब्लिशमेंट में, और अभी हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि लोगों को अभी अपने अधिकार के बारे में पता ही नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत ही संकोच की शर्मिंदगी की बात है। बिल्कुल सही, इस देश के लिए ये सोचने की बात है कि 25 साल हो गए अभी भी हम इस बात पर बात करते हैं कि हमारे देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है, लोगों को अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक लोगों पार्टियों की निरंकुशता, उनकी अपनी उनकी महत्वाकांक्षा की कमी की वजह से ऐसी परिस्थिति मैं समझता हूं कि है। आपने ह्यूमन राइट कमीशन बना दिया, तमामों अधिकार दे दिए, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए धरातल पर जितनी आवश्यकता थी, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, वो आप नहीं दे पाए। आपने ह्यूमन राइट कमीशन बना के दिल्ली में एक ऑफिस बना दिया,
पांच से उसके मेंबर्स बना दिए, लेकिन आज बताइए आज भी इस मीडिया के इस युग में जितना से सोशल मीडिया भी काफी एक्टिव हो चुकी है आज की तारीख में भी, आज भी हम जो ह्यूमन राइट कमीशन है हमारा इस देश में जितनी घटनाएं हो रही है उसके 10% पर भी एक्शन नहीं ले रहा है और ना उस तक बात पहुंच पाती है। ह्यूमन राइट कमीशन भी आज भी ह्यूमन राइट कमीशन से भी उतने तक ही बात करता है जहां पर मीडिया बहुत हाईलाइट हो जाए, जहां जन आक्रोश बहुत ज्यादा फैल जाए, जब भीड़ निकसड़ों को उतरने वाली पोजीशन है तब ह्यूमन राइट कमीशन भी जागता है। मूलभूत सुविधाओं के लिए ही आप इस देश से टैक्स लेते हैं, हमारी आप हम आपसे जो टैक्स व्यवस्था दी गई इस देश में आप लेते हैं वो इसलिए देते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने की पैसे की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट वो पैसा कहां से लाएगी इसके लिए इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज टैक्स, दुनिया भर के जो टैक्सेस है वो सारे टैक्सेस लेने के बाद भी आज भी व्यवस्था वैसी की वैसी बनी है, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कमी है। चलिए नंदिनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नंदिनी जी क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो ऐसे में समाज के अंदर कहां पे कमी आप पाती हैं, क्योंकि आज हम मानवाधिकार दिवस मना रहे हैं और सारी अच्छी अच्छी बातों का जिक्र कर रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। जो सरकारें होती हैं वो मूलभूत सुविधाओं के लिए ही वोट मांगती हैं और ये बड़ी शर्म की बात है कि वो पांच साल तक कितना उस पर काम कर पाती हैं, क्योंकि हम जब शिक्षा का हाल देखते हैं तो महंगी शिक्षा देखते हैं, निचली शिक्षा पे आते हैं तो वहां पर स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सही से डेवलप हो पाया है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। स्वास्थ्य में जाते हैं तो वहां पर अस्पतालों का हाल हम देखते हैं कई जगह खराब है, प्राइवेट में जाएंगे तो अच्छी सुविधा मिलेगी लेकिन 7 गुना वहां पर एक रिपोर्ट निकल के आई कि 7 गुना महंगा है वहां पर इलाज, तो महंगा इलाज करवा रहे हैं, क्या चीजें सुधारने की जरूरत नहीं है? और 70 साल बाद अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं शर्म की बात है, हम सबको शर्म करनी चाहिए इस बात पे। नंदिनी जी जी हिमांशु जी मैं आपसे अग्री करती हूँ और देखिए आज जैसे हम वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बताना चाहूँगी और मैं महिला मुद्दों पे काम करूँगी काम करती हूँ तो उसके बारे में भी मैं उसी पर्सपेक्टिव से मैं इस पर बात करना ज़्यादा पसंद करूँगी। देखिए वर्ल्ड वॉर टू के बाद बहुत ही ज़्यादा ट्रोमैटिक सिचुएशन आई तो ये यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसको लाया गया, उसको पारित किया गया और उसमें महिलाओं ने बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाई, स्पेशली जो एलेनोर रूजवेल्ट हैं तो उसमें कहा गया कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल और उसमें बहुत सारी सबसे पहली बात जो जेंडर इक्वालिटी है जेंडर इक्वालिटी है उसके बारे में कहा गया और जेंडर इक्वालिटी को इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 2 जो है वो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी इन मैरिज के बारे में बात करता है। देखिए ये आज अगर हम भारत के परिपेक्ष में ये सारे कॉन्सेप्ट्स को देखें तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन राइट्स हैं स्पेशली जो महिलाओं के जो ह्यूमन राइट्स हैं वो संरक्षित नहीं हो पा रहे हैं और अभी जो रीसेंट जो केसेस आए हैं वो उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली बात ये है कि महिलाओं के ह्यूमन राइट्स को संरक्षित और सुरक्षित करें क्योंकि तभी हमारा देश जो है आधी आबादी जो है महिलाएं हैं तो तभी हमारा देश जो है उन्नति कर सकता है और डेवलप कर सकता है। देखिए हमारे पास सरकार जो है वो काम कर सकती है, जैसे यहाँ पर बैठे जो वकील साहब हैं उन्होंने अधिकारों के बारे में बात की लेकिन हम हर चीज़ का ठीकरा सरकार पे नहीं फोड़ सकते। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हम अधिकारों के बारे में बात करते हैं तो हमें ड्यूटीज़ के बारे में भी बात करना होगा, जैसे संसाधनों की कमी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर में जो है संसाधनों की कमी हो गई है, एजुकेशन को ही आप देख लीजिए उसका क्या रीज़न है। कहीं ना कहीं देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक बहुत बड़ा रीज़न है जिससे कि रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इम्पैक्ट पड़ता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, संघर्ष बढ़ता है, सबको जो रिसोर्सेज हैं जो फैसिलिटीज़ हैं सबको नहीं मिल पाती हैं। तो देखिए जनसंख्या को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी है, इस पर सरकार जो है वो एक अहम भूमिका निभा सकती है पर कहीं ना कहीं जो पब्लिक है जो जिम्मेदार नागरिक है उनको भी आगे आना पड़ेगा, उनको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि जब तक जनसंख्या जो है नियंत्रित नहीं होगी तब तक हम जो गिवन रिसोर्सेज हैं जो हमारी जो फैसिलिटीज हैं उसका हम पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इस पर मुझे लगता है कि नागरिकों को भी अगर वो अपने अधिकार के बारे में बात करते हैं तो अपने ड्यूटीज के बारे में भी सोचना चाहिए और एक इसमें अहम भूमिका निभानी चाहिए। अजय जी विपक्ष में रहकर आप क्या देख पाते हैं, मानवाधिकार अगर लोगों को अपने अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, वो अगर अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी है? सिर्फ सत्ता पक्ष की तो नहीं है, मैं नहीं मानता हूं। हिमांशु जी देखिए ये बहुत अहम मुद्दा है, मानवाधिकार दिवस है आज, उसकी हम बधाई देते हैं लेकिन
एक बहुत बड़ा सवाल है कि मानवाधिकार इसलिए बनाया गया होगा कि जब व्यक्ति को न्याय न मिल पाए कहीं, व्यक्ति के साथ समस्या खड़ी हो जाए, तो वो मानवाधिकार में अपनी बात रख सकता है। लेकिन एक आपके जानकारी के लिए बता दें, आप बड़े पत्रकार हैं, कि चाहे देश का मानवाधिकार आयोग हो और चाहे उत्तर प्रदेश का मानवाधिकार आयोग हो, वो बनाती है सरकारें, प्रदेश की सरकार, देश की सरकार, वो पूरे तरीके से पंगू है, पंगू। वो बहुत सी बातें यहाँ नहीं आ पाई, उसके पास कोई भी अधिकार नहीं है सिर्फ चिट्ठी लिखने को छोड़ करके। वो किसी को दंडित नहीं कर सकता है, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता है। आज जब तक मानवाधिकार आयोग को शक्तिशाली नहीं बनाया जाएगा, उसको अधिकार नहीं दिया जाएगा और सरकार से के चंगुल से उसको अलग नहीं किया जाएगा, तब तक मानवाधिकार आयोग का कोई मतलब नहीं है। अभी बात आई आम जनता की, हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग, महिला और पुरुष दोनों गैर पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता ही नहीं कि मानवाधिकार आयोग है क्या। हमें इस देश में रहने के बाद कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, हम राजधानी लखनऊ की बात करते हैं, आप किसी थाने में चले जाइए, मानवाधिकार के बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। कप्तान साहब के बंगले पे चले जाइए, मानवाधिकार आयोग के बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि कोई व्यक्ति जब पकड़ा जाएगा, मुजरिम है कि नहीं है ये तो न्यायालय तय करेगी। एक व्यक्ति है रेप करता है, वो मुजरिम है, जनता के समक्ष वो मुजरिम है, गोली मर्डरर मुजरिम है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जिसके पास ताकत है, जिसके पास कानून है, वो लोगों को परेशान भी करते हैं। मेन चीज है जागरूकता की, तो जागरूकता लाने के लिए क्या किया जाएगा, ये चीज बस एक दो मिनट लेंगे खाली। मानवाधिकार आयोग के बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि जब कोई व्यक्ति पकड़ के आएगा, उसको अधिकार है एडवोकेट्स रखने का, परिवार के किसी व्यक्ति को सूचना देने का। ये आयोग ने उस पर लिख रखा है कि अगर ऐसी कहीं कोई दिक्कत आती है तो मानवाधिकार आयोग में उसकी शिकायत की जाती है। लेकिन हिमांशु जी, आपसे मैं बिल्कुल दावे के साथ आपके टेलीविजन पर कहना चाहता हूं कि आप सर्वे करा लीजिएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में 100-200 लोग भी आप नहीं पाएंगे कि जो इस तरीके से पीड़ित और परेशान किए गए हों और मानवाधिकार आयोग को गए हों और ऐसे अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई मानवाधिकार आयोग करा पाए हो। एक मिनट और लेके बात खत्म कर देंगे। देखिए, बात आती है आम जनता की, आम जनता बड़ी संख्या में गैर पढ़ी लिखी है और जब वो कोशिश करती है अपनी आवाज उठाने की तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, उसको तरह तरीके से परेशान किया जाता है। इसलिए सरकारों को ये जो मानवाधिकार आयोग बने हैं उनको थोड़ा सा और अधिकार देने की जरूरत है और इसके प्रचार प्रसार की, पढ़े लिखे में कम और गैर पढ़े लिखे लोगों के बीच में ज्यादा करने की जरूरत है। समाज के लोगों कम पढ़े लिखे क्यों, ये भी तो एक सवाल है, ये भी एक सवाल है, देखिए बड़ा सवाल है, ये भी सुन लीजिए एक मिनट। ठीक है, आ रहा हूं आपके पास। नंदिनी जी कुछ कह रही हैं। जी जी, देखिए मैं, इन्होंने जैसे अभी बात कही कि कहीं ना कहीं जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, देखिए जितने भी कमीशन हैं, आप ह्यूमन राइट्स कमीशन को ले लीजिए या फिर वुमन कमीशन को ले लीजिए, उनके पास सही बात इन्होंने कही कि उनके पास उतने ज्यादा पावर्स नहीं है, वो लेटर लिख सकते हैं और सरकार को वो लेटर लिख के ही प्रेशराइज कर सकते हैं, उस पर दंड देने का प्रावधान नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो कमीशन हैं वो पेपर टाइगर बन के रह गए या टूथलेस टाइगर, ऐसा शेर जिसके दांत ही नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि जो ये कमीशन्स हैं वो ह्यूमन राइट्स कमीशन हो या फिर वुमन कमीशन हो, इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। रही बात अवेयरनेस की, तो देखिए अवेयरनेस जो है, अब महिला सुरक्षा को लेके बात होती है, ह्यूमन राइट्स को लेके बात होती है, आप देखिए हमारे जो संविधान में जो Part-4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, जैसे सोशल जस्टिस के बारे में उसमें बातें की गई है, वेलफेयर स्टेट के बारे में बातें की गई है, एजुकेशन के बारे में बात की गई है, इक्वालिटी हो गई। लेकिन ये जितनी सारी बातें हैं आप इसको कोर्ट में कंटेस्ट नहीं कर सकते, ये जस्टिसिएबल नहीं है। इसमें उसमें यही दिया हुआ है कि जब कोई भी सरकार पॉलिसीज या प्रोग्राम्स बनाएगी तो इन सारे प्रिंसिपल्स को वो अपने दिमाग में रखेगी ताकि मैक्सिम जितने भी जनता है उसका भला हो सके। लेकिन ये कहीं ना कहीं जस्टिसिएबल नहीं है, तो प्रॉब्लम जो है वहां से भी आती है। जहां तक अवेयरनेस फैलाने की बात है हिमांशु जी, तो जागरूकता जो है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, अपने स्तर पर जागरूकता जो है वो फैला सकते बिल्कुल, हैं बिल्कुल, सभी लोगों को कोशिश करनी होगी, तभी समाज आगे जो है अच्छे से बढ़ पाएगा और जो मानवाधिकार दिवस हम मना रहे हैं वो तभी सक्सेसफुल भी हो पाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फॉरन नजर होता है।